कहते हैं जो आप चाहें तो हिंदू मुस्लिम के बीच में झगड़ा करवा दें। जितने लोग हैं सबके खिलाफ मुकदमा करेंगे। नहीं, आप सबको जेल भेज दो ना। और मुकदमा ठोक दूंगी 354 का भी। धीमे धीमे पार्टी में निकलने लगेगा भाजपा के गुंडे। दोस्तों, आज एक लेडी ऑफिसर की सिंगामगिरी आप लोग के सामने लेकर आया। एक लेडी ऑफिसर ने जिस तरह भाजपा का कार्यकर्ता, भाजपा का जो गुंडे है, ये लोगों के सामने जिस तरह स्टैंड लिया है और जिस तरह एक्शन लिया है, अगर इसी तरह हर पुलिस ऑफिसर एक्शन लेते थे तो शायद आज के दिन में इंडिया बहुत सुरक्षित रहता था। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कबीर रिएक्शन। दोस्तों कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से दोस्तों बहुत बढ़िया हूँ। दोस्तों, ये जो लेडीज ऑफिसर है, इन्होंने जिस तरह स्टैंड लिया है ये गुंडे लोगों के खिलाफ, अगर इसी तरह पहले से ही किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता क्यों ना हो, ये गुंडे लोगों के खिलाफ इसी तरह एक्शन लिया जाता था, तो शायद आज के दिन में इंडिया की सरजमीन पर जो कुछ भी हो रहा है ये सब नहीं होता था। आज के दिन में आप देख लीजिए, हमारा प्राइम मिनिस्टर झूठ बोल रहा है, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। हमारा होम मिनिस्टर झूठ बोल रहा है। विदेश की जो अखबार है, न्यूज़पेपर है, वहां पे हमारा प्राइम मिनिस्टर झूठ कह रहा है, वहां का न्यूज़पेपर में छापा हुआ है, वहां का मीडिया कह रहा है, लेकिन इंडिया में कोई भी संस्था उसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं। तो चलिए दोस्तों, आज का यह वीडियो देख लेता हूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और मेरा रिएक्शन कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करता हूँ, लेट्स प्ले द वीडियो। बात करो। ऊपर चले जाओ, सीएम साहब से लिखा लाओ कि पुलिस को कोई भी अधिकार नहीं है चेकिंग करने का। हम अपनी गाड़ियों की चेकिंग नहीं करवाएंगे। मैडम, आपको रोड पे खड़ा होना बंद कर देंगे। आपको पूरा अधिकार है, लेकिन भाजपा के ही कार्यकर्ताओं को क्यों गिरफ्तार करा जा रहा, क्यों उनके साथ ये नाइंसाफी की जा रही है? भाजपा के ये सब भाजपा के, अब ये प्रमोद जी को आपने गिरफ्तार कर लिया और उसके कागज बना दिए। क्या गलती थी 200 रुपए का उसने चालान भी भर दिया, उसके बावजूद उसने मोटरसाइकिल की चाबी निकाल दिया। बदतमीजी हाथापाई करी आपके कर्मचारियों ने। आपके साथ मैं अभी आपके ऊपर लिखा दूंगी। पहली बात तो सरकारी ऑफिसर से इस तरीके से बात नहीं कर सकते आप, समझे? दूसरी बात तो सब आप बताओ, भाजपा क्यों होगी, बसपा क्यों? भाजपा के ही नेता हो ना, कल कहोगे भाजपा के साथ बीजेपी का। जो बात सही है, अगर उसे सही तरीके से आपको कह कर आपको ये लगता है कि आप ये हमारे साथ बदतमीजी कर, ऑफिस में लाओ 2000 लाओ, कहाँ देके आयो मुझे दिखाओ। नहीं, क्यों दें हम 2000? नहीं दिए ना, नहीं दिए। झूठा ब्लेम क्यों लगा रहे हो? नहीं, मैं खुद गया हूँ, मेरे साथ कार्यकर्ता थे। नहीं, कोई नहीं, मेरे समय से चालान में जितना है उतना ही जा रहा है, झूठा ब्लेम नहीं। रही बात प्रमोद की, और मुकदमा ठोक दूंगी 354 का भी। ठोक दो आप, सब का ठोक दो। अगर मैं वहाँ खड़ी हूँ, कुछ आप लोग जो करोगे वो लगेगा, और ये 50 नहीं 100 करोगे तब भी डरने वाली नहीं हूँ। सक्षम है जी, ठीक है, सक्षम आज हूँ कल भी रहूंगी। और फालतू की बात नहीं, इतना चालान का झगड़ा यहाँ कचहरी में नहीं निपटाओगे आप। 2000 रुपए मांग लिए, किसने मांग लिए 2000 रुपए? चालान के नाम पे 2000 रुपए मांगे जा रहे हैं, सबके साथ ये हो रहा है, ये क्यों भीड़ आ रही है इस वजह से? कोई नहीं मांगता, सिर्फ आपको शिकायत है, और किसको शिकायत है? किसी को नहीं शिकायत, सबको है, सभी जो लोग खड़े हैं ये जो आए हैं इसीलिए तो आए हैं। सीएम साहब के पास चले जाओ, बोल दो पुलिस का अधिकार नहीं है चालान करने का, हम नहीं करवाएंगे। हम वहाँ पे रात में परिवार को छोड़ के इसलिए नहीं खड़े होते कि मजे लेने के लिए खड़े होते हैं, ड्यूटी करते हैं, इसके बाद आपका धरना देख रहे हैं, ड्यूटी करते हैं वहाँ पे। हम हमें नहीं खड़े होने का शौक है वहाँ पे। हमारे हमराह के ऊपर हाथ छोड़ रहा है वो आदमी, हमसे बदतमीजी कर रहा है, ऐसो से बदतमीजी कर रहा है, ऐसे आदमी भाजपा का आदमी है? नहीं, आप लोग भाजपा को भी बुरा बना रहे हो। धीमे धीमे पार्टी में निकलने लगेगा भाजपा के गुंडे, आप लोग ये बना रहे हो अपने को। आप तो अपनी बात रखने के लिए कुछ भी कह रहे हैं, आप पे अधिकार है, आप पे तो अधिकार है, आप लीगल बात कहो तो मैं सुनूं। आखिर वही की यही क्यों आए? बाकी तो कल चेकिंग हमने कम से कम 2000 आदमी की, हमने सबको तो नहीं बंद किया। इसके बाद भी कूल होने को कहा गया और तो कुछ ना कहा, केवल चाबी मांगी इंस्पेक्टर साहब से। ना जी, मैं जाके हम भी खड़े हो जाएंगे, बिल्कुल खड़े हो जाएंगे। तुम हिंदू के हिंदू नहीं 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 जाओ, ये तो वो बंदे हैं जो आप चाहें तो हिंदू मुस्लिम के बीच में झगड़ा करवा दें। कौन करवा दे? आपका बेटा क्या कर रहा था? MBBS करने जा रहा था। नहीं, कल जो मिला मुझे वो जा रहा था, वो जाता था उसमें जिम करने के, जिम में बिना हेलमेट
गड़बड़ जाएगा। नहीं मैं कह तो रही हूँ, पुलिस की चालान काटी है ना मैडम, सुनिए मर्डर किया क्या उसने हाथ कैसे उठा दिया मैडम, 15 थप्पड़ मारे, केवल इतना सा मामला, उसने चाबी मांग ली। मैं था मेरा भाई था। दिखाओ रिकॉर्डिंग, दिखाओ रिकॉर्डिंग, अगर होती ना तो फिर और कहीं जाता मैं, तो कहीं भी जाओ, चेन्नई कहता मैं, कहीं भी जाओ, गलत किया है, कहीं भी जाओ, गलत करने पर हाथ उठाने का किसी को अधिकार नहीं है। मामला चालान का था, उनके पास कागज वागज नहीं थे, उनसे बोला गया चालान करने को, तो वो मुझसे पहले उन्होंने गुंडागर्दी की कि मैं तो कहीं जिला पंचायत सदस्य का वो हूँ, तो मैंने कहा कि सारी भाई वहाँ तो सभी पर्चे बताने लगते हैं, ऐसे तो फिर हम चेकिंग ना करें। क्या बता रहे, किसके नेता है कार्यकर्ता? भाजपा के। तो इस तरीके से तो हम सबको नहीं छोड़ सकते ना, आजकल तो सभी भाजपा के नेता। बदतमीजी भी की गई, पहले मुझसे हॉट टॉकिंग की, फिर उन्होंने चालान कराने के बाद मेरे हमराह पे बदतमीजी करने लगे, हमराह से बदतमीजी करने लगे, जब देखा स्थिति नहीं कंट्रोल हो रही, ऐसा उड़ के गए, ऐसा उड़ के गए तो इनकी उनकी भी वर्दी पे ऊपर वैसे बस झपट रहे थे बस। अरे कोर्ट में नारेबाजी कर रहे हैं इनके, अभी कोर्ट में नारेबाजी कर रहे हैं, मुलजिम का पक्ष, आरोपी भी इन्होंने पकड़ के दुकान में बैठा रखा बहुत देर तक, यहाँ पर इनके खिलाफ दूसरा मुकदमा हम लोग करवाएंगे। कोर्ट पैसा किसी भी तरह के धरने या नारेबाजी के लिए नहीं है, अगर पुलिस को भी झट रही है, हम अभी मुकदमा करवाएंगे ना इनके पीछे, तो लोग ऐसे क्यों नहीं खड़े, बोल तो रही हूँ अभी मुकदमा मैं करवाती हूँ। चलिए दोस्तों, वीडियो देख लिया है, सिंगम लेडी ऑफिसर का जो ताकत है यही है पुलिस का ताकत, किधर भी हो नहीं डरते। लेकिन दोस्तों ये भाजपा का तो लोग, भाजपा लोगों का जो गुंडे लोग है, बीजेपी पार्टी का जो गुंडे है, ये लोग का तो आदत यही है, पुलिस को अपना काम करने नहीं दे रहे। तुम बाइक लेकर जा रहे हो, हेलमेट नहीं है, तुम गाड़ी लेकर जा रहे हो, गाड़ी का कागज तैयार नहीं है, तो पुलिस का तो ड्यूटी है भाई, पुलिस तो अपना कार्रवाई करेगी, पुलिस तो ड्यूटी करेगी, तो पुलिस का ड्यूटी करने तुम भाजपा का कार्यकर्ता तो क्या हो गया? कोई कानून तो सबके लिए सही है, क्या कानून की किताब में लिखा है कि बीजेपी का कार्यकर्ता है, बीजेपी का सपोर्ट करने वाला है, और ये लोगों को पुलिस चेक नहीं कर सकता, ये लोग कुछ भी ये लोग कर सकते हैं, लेकिन पुलिस ये लोग के लिए कुछ, ऐसा कानून में लिखा है थोड़ी ना? तो वो तो कानून के दायरे में रहकर ही काम कर रही है, तुम लोग करने क्यों नहीं दे रहे हो? और कोर्ट के सामने पुलिस मुर्दाबाद ये सब चालू कर दिया है, यही है हमारा देश का राजनीति आज के दिन। कानून अगर कुछ करना भी चाहते हैं, लेकिन हमारा राजनीति पार्टियां, हमारा समर्थन चला जाएगा, इतना लोग सपोर्ट करते हैं, हमारा सपोर्ट चला जाएगा अगर इसको अंदर कर दिया, पुलिस को भी काम करने नहीं देते, यही तो चल रहा है। और सबसे ज्यादा करप्शन अगर चल रहा है तो बीजेपी गवर्नमेंट में चल रहा है, जब से बीजेपी गवर्नमेंट आया तब से ये गुंडागिरी चालू हुआ है। तो दोस्तों शायद ये वीडियो कुछ पुराना है, लेकिन इस वीडियो से शिक्षा लेना बहुत जरूरी है। अगर बीजेपी हर पुलिस ऑफिसर को सही तरीके से अपना कानून को इस्तेमाल करने देते हैं, तो शायद इतना गुंडागर्दी भारत में नहीं होते जो आज के दिन में चल रहा है, क्योंकि पुलिस का हाथ बांध लिया है, पुलिस काम नहीं कर पा रहे, ऐसा बहुत सारे पुलिस ऑफिसर है जो ईमानदारी के साथ काम करते हैं, जिस तरह इंडिया का कानून कह रहा है उसी तरह काम करना चाहते हैं, लेकिन ये राजनेता के कारण, ये मेरा पार्टी का है, ये मेरा सपोर्टर है, ये मेरा कार्यकर्ता है, इसको ये कुछ भी करो, इसके अरेस्ट मत करो, यही सब तो हो रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो से आपको क्या कहना है जरूर हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, वीडियो अच्छा लगा तो आगे जरूर शेयर कर देना, चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मिलता हूँ किसी और वीडियो को लेकर, तब तक के लिए अल्लाह।